students, I am your English teacher from Maitri International School. So today we are going to study about lesson 2 and lesson name is Double Muddle. Okay, so this is your English course book, class 2 and volume 1. So students, take out your English book, page number 13. So Double Muddle means Dugna Ghapla. Yes, दुगना घपला, गड़बड़ होना, ठीक है. तो दिस इज अ स्टोरी इन दिस लेसन. दिस इज अ स्टोरी बेस्ड ऑन ट्विंस. ट्विंस, ट्विंस मीन्स, डू यू नो ट्विंस क्या होता है? ट्विंस मीन्स बेटा जुड़वा, एक जैसे दो, एक जैसे दो. सॉरी, दो बच्चे एक जैसे, तो जुड़वा. सो नाउ लेट्स बिगिन. ट्विंस आर टू बेबीज बोर्न टू अ मदर एट द सेम टाइम. एक ही मदर के एक ही टाइम में दो बेबी को बर्थ देना. वो जो बेबीज होते हैं सेम, क्या होते हैं वो? ट्विंस. ट्विंस कैन बी नॉन आइडेंटिकल, मींस वो एक दूसरे की तरह भी नहीं होते हैं. और वेयर दे डू नॉट लुक एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं होते हैं कभी कभी. बट समटाइम्स ट्विंस आर लुक लाइक अ फोटोकॉपी. कभी कभी वो बिल्कुल ही एक दूसरे के जैसे होते हैं, आप पहचान ही नहीं सकते हैं. और कभी कभी वो अलग भी होते हैं. तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है बेटा. सो दे आर आइडेंटिकल ट्विंस, लुक लाइक सेम. सो डू यू हैव एनी रिलेटिव, एनी नेबर इन स्कूल? डू यू हैव? ओके, नो इशू बेटा. इन स्कूल फ्रेंड्स हु आर ट्विंस, जो ट्विंस हो आपने कभी देखे हैं अपनी फैमिलीज में, कोई रिलेशन में हो? ओके, सो नाउ रीड एंड एंजॉय हाउ आइडेंटिकल ट्विंस प्ले क्रिकेट टू हैव फन. सो स्टूडेंट्स, नाउ आवर लेसन रीडिंग ऑन पेज नंबर 13. लेट्स रीड. So in this story, Vasu and Prabhu were identical twins. Means इस story में जो दो twins हैं उनके क्या name है बेटा? Vasu and Prabhu. Vasu and Prabhu. So they were identical twins. एक जैसे ही दिखते हैं वो. So they looked so much alike that their friends and teachers were always confused about who was who. वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, इसलिए उनके जो फ्रेंड्स हैं, उसकी टीचर्स हैं, वो हमेशा कंफ्यूज रहती है कि कौन कौन है. मींस कौन वासु है और कौन प्रभु है. सो दे लुक्ड सो मच अलाइक दैट मेनी टाइम्स इवन देयर अम्मा एंड अप्पा कुड नॉट टेल देम अपार्ट. वो कह रहे हैं कि ऐसा बहुत बार हो चुका है कि जिसमें कभी उनकी अम्मा और अप्पा भी उनको पहचान नहीं पाए हैं. सो नाउ वासु वॉज फॉन्ड ऑफ कॉमिक्स. वासु को क्या पसंद है? कॉमिक्स. उसको कॉमिक्स पसंद थी. प्रभु लाइक टू प्ले क्रिकेट. और प्रभु को क्या पसंद था? क्रिकेट खेलना. बट बोथ ऑफ देम लव्ड ईटिंग अम्मास क्रिस्पी डोसाज. लेकिन दोनों को एक चीज क्या पसंद थी? उनके अम्मा के हाथ के क्रिस्पी डोसा. यस, आपके भी मुंह में पानी आ गया डोसा सुन के. ओके, सो नाउ नेक्स्ट. वासु एंड प्रभु वर हैप्पी. दोनों बहुत ही खुश थे. अम्मा हैड रिटर्न फ्रॉम ए विजिट टू अजी, मींस ग्रैंड मदर, लास्ट इवनिंग. वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनकी अम्मा वापस आई थी. कहाँ से? उनकी ग्रैंड मदर के वहां से. लास्ट इवनिंग, शाम को. शी हैड बीन अवे फॉर 1 वीक. वो पूरा 1 वीक उनके पास रुक के आई थी. इन हर एबसेंस अप्पा हैड फेड देम ओनली दाल राइस, कर्ड राइस एंड बनानास. जब अम्मा नहीं थी तो अप्पा उन्हें क्या खिलाते थे बेटा? दाल और राइस, कर्ड और राइस एंड बनानास. आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अम्मा कहीं गई है और पापा ने खिलाया है. तो ऐसा वासु और प्रभु के साथ हुआ था. तो उनके पापा ने उन्हें दाल राइस, कर्ड राइस और बनाना ही खिलाए थे. So that is why they were excited about eating nice and crispy dosas for lunch after school. इसीलिए वो बहुत ज़्यादा excited थे कि अब उनकी अम्मा आ गई है तो उनको डोसा बनाकर खिलाए. So now next page, page number 14. So on the way from
फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस आते टाइम रास्ते में दे सॉ सम फ्रेंड्स वॉकिंग अहेड. प्रभु स्टॉप टू चैट विद देम फॉर अ व्हाइल. सो ऑन द वे फ्रॉम स्कूल दे सॉ सम फ्रेंड्स वॉकिंग अहेड. प्रभु स्टॉप टू चैट विद देम फॉर अ व्हाइल बट वासु रश्ड बैक होम. स्कूल से वापस आते टाइम उसने अपने कुछ फ्रेंड्स को वहां पर देखा, तो प्रभु ने क्या करा, उनके साथ बातें करने के लिए वो रुक गया, लेकिन वासु घर पहुंच गया. सो वेयर इज प्रभु, अम्मा आस्क्ड वासु. अम्मा ने पूछा वासु से कि प्रभु कहाँ है व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा. सो ही इज टॉकिंग विद सम फ्रेंड्स, वो कह रहा था कि वो अपने दोस्तों से बात कर रहा है. ही विल बी होम सून, वो जल्दी घर आ जाएगा. वासु रिप्लाइड, उसने अपनी अम्मा को ये रिप्लाई किया. तो ही वॉश्ड हिज हैंड्स एंड एट फाइव डोसास. उसने अपने फटाफट हैंड वॉश किए और कितने डोसास खा गया, फाइव. सो आई वॉन्ट सम मोर, सैड वासु. वासु ने कहा कि मुझे और चाहिए. यू हैव ऑलरेडी ओवर ईटन, उसकी मदर ने कहा तुम पहले ही बहुत ज्यादा खा चुके हो. देयर इज बैटर लेफ्ट फॉर ओनली फाइव मोर डोसास फॉर प्रभु. ये बैटर फाइव और डोसास के लिए बचा है, जो किसके लिए है, प्रभु के लिए. किसने कहा, उसकी अम्मा ने कहा. सो गेट अप एंड वॉश योर हैंड्स, तो खड़े हो जाओ और हैंड वॉश करो. डोंट फॉरगेट टू ड्राई देम विद द टॉवल, और हाथ पोंछने मत भूलना, किसके, टॉवल से. सो वासु गॉट अप फ्रॉम द डाइनिंग टेबल, वो वहां से खड़ा हो गया. आफ्टर ए व्हाइल अम्मा सॉ प्रभु स्टैंडिंग बाय द टेबल. अम्मा ने किसको देखा, प्रभु को, जो टेबल के पास खड़ा था. अब देखना, Did you wash your hands? अम्मा asked. अम्मा ने पूछा कि आपने हैंड वॉश किए. Yes, he said. उसने कहा कि हाँ. Come and have dosas. आओ और डोसा लो. He sat down and enjoyed the five dosas. उसने five dosas खा लिए. Ah, that was good. बहुत ही अच्छे थे. He sat patting his tummy and left the dining room. उसने ऐसे अपने पेट पे, टमी पे हाथ ऐसे करा और वहां से चला गया. अम्मा, प्रभु कॉल्ड, प्रभु ने बुलाया. अम्मा, अम्मा गिव मी डोसास, ही सैड. अब प्रभु आ गया, लेकिन वो प्रभु नहीं था. वो कौन था, वो तो वासु था. उसने आके फाइव डोसास और खा लिए, क्योंकि वो सेम लुक, सेम थे ना दोनों एक जैसे. तो उसने फाइव डोसास आके और खा लिए. फिर इतने में प्रभु आ गया. उसने कहा कि अम्मा मुझे डोसा दो. तो कह रही, यू जस्ट एट फाइव डोसास, तुमने फाइव डोसास खा लिए हैं. देयर इज नो बैटर लेफ्ट, अब कुछ भी लेफ्ट नहीं बचा है. तो बट आई हैव जस्ट रीच्ड होम, लेकिन मैं तो अभी घर पहुंचा हूं. आई हैव नॉट ईटन एनी डोसा, मैंने एक भी डोसा नहीं खाया है. व्हाट, दैट मींस वासु हैज ईटन 10 डोसास, उसने 10 खा लिए. शी सेड, वासु 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 कम हियर एट वंस, जल्दी आओ यहां एक बार. शी कॉल्ड, थैंक यू फॉर द 10 डिलीशियस क्रिस्पी डोसास. अम्मा, उसकी अम्मा गुस्सा हो रही थी कि जल्दी यहां आओ, जल्दी यहां आओ. वो आके कहता कि थैंक यू अम्मा, आपने बहुत अच्छे डोसा बनाए. आई एम हंग्री, प्रभु क्राइड, वो चिल्लाया. देयर इज नो बैटर, आई कांट मेक एनी मोर डोसास, आई विल गिव यू कर्ड राइस, मैं तुम्हें कर्ड राइस दे दूंगी. अम्मा सैड एंड लुक्ड क्रॉसली एट वासु. अम्मा ने कहा कि मैं तुम्हें कर्ड और राइस दे दूंगी. सो नो, आई वॉन्ट माई डोसास, हाउ कैन यू मिस्टेक फॉर मी, आपने मेरे लिए ऐसी मिस्टेक क्यों की, मुझे डोसा ही चाहिए. शाउटेड प्रभु, प्रभु चिल्ला के बोलता है. सो दे द सेम वे शी मिस्टूक यू फॉर मी एंड गेव यू टू चॉकलेट्स ऑन योर बर्थडे. वो कहता है कि आपने सेम मिस्टेक की थी, हमारे बर्थडे पे आपने वासु को टू चॉकलेट्स दे दी थी, उसकी भी उसको ही दे दी थी. वासु सैड, ओ आई एम फेड अप ऑफ दिस डबल मडल, मैं परेशान हो चुकी हूँ इस डबल मडल से. अम्मा क्राइड एंग्रीली, वो चिल्लाती है कि मैं तुम्हारे इस घपले से परेशान हो चुकी हूँ, क्योंकि वो भी ट्विंस में कन्फ्यूज रहती थी. डबल मडल मीन्स परेशान, कन्फ्यूजन, ट्विंस में कन्फ्यूजन हो जाता है ना. तो वो कह रही है कि मैं ये इस कन्फ्यूजन से परेशान आ चुकी हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ. सॉरी. So now this lesson has finished right now. अब ये finish हो चुका है. You have to read at home quietly. So students, now you have to read this story quietly at home
एंड और अपने पेरेंट्स को भी ये स्टोरी आपको सुनानी है। आई होप ये आप सभी को समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टूडेंट्स मजा आया पढ़ के सुन के, तो आपको अब ये घर पर पढ़नी है। ओके बेटा, गुड बाय।